आपको बताएं कि आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से डॉल्फिन फोर्स रावलपिंडी के खासियों की मुलाकात हुई है। डॉल्फिन अहलकारों में इब्राहिम, मुर्तजा, उमर, पैसान, आमिर और रमजान शामिल हैं। डॉल्फिन अहलकार डाकों से फायरिंग के तबादले में जख्मी हुए थे। आयशी की हिदायत पर खासियों के नाम सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खासी वॉल पर दर्ज किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ से। बताइए मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर डॉल्फिन फोर्स के गाजियों से मिले हैं और उनको सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में बुलवाया गया था। डॉल्फिन अहलकारों में डाकों से फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाले इब्राहिम, मुर्तजा, उमर, फैजान, आमिर और रमजान शामिल थे। डॉल्फिन स्क्वाड के गाजी जवानों को चक्री रोड और टैक्सला में डाकों से मुकाबले के दौरान बाजू, टांगों और दीगर अजा पर फायर लगे। आईजी पंजाब की हदायत पर डॉल्फिन फोर्स के इन गाजियों के नाम सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बनाई गई गाजी वॉल पर भी दर्ज किए गए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने गाजियों से मुलाकात के दौरान उनके फर्ज जनाजी और बहादुरी को शानदार अल्फाज में सराहा। डाकों और सरपसंद अनासर का बहादुरी से मुकाबला करने वाले तमाम गाजी पंजाब पुलिस का कीमती असासा है, ऐसा कहना था आईजी पंजाब का। उनका यह भी कहना था कि इन गाजियों की बेहतरीन इलाज मुआवजे और जल्द अज जल्द बहाली के लिए तरजीह इकदाम जो है वो यकीनी बनाए जाए। बहैसियत सरबरा पंजाब पुलिस दौरान ड्यूटी जख्मी या माजूर होने वाले तमाम अफसरान और अहलकारों को लाजिम है खिदमात को सलाम पेश करता हूँ, ऐसा कहना था आईजी पंजाब का। डीआईजी ITSN यूनस भी इस मौके पर मौजूद थे जब ये मुलाकात हुई थी। बहुत शुक्रिया मुजाहिद।